अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप सबको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दोस्तों अगर आज तक यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इसका नाम है कैंडल ऑफ नॉलेज, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मैं आज आपके लिए एक ज़बरदस्त तोहफा कौन सा लाया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपको जो पिक्चर जो निकालने होते हैं तो उसके लिए मैं ज़बरदस्त तोहफा ये लेकर आया हूँ कि मैं आपकी स्वीट सेल्फ़ी लेकर आया हूँ। स्वीट सेल्फ़ी ये सिर्फ नाम नहीं, इसका काम ज़बरदस्त है। अगर आपने कोई फ़ोटो है वो एडिट करनी है, उसको मजाकिया बनाना है, या उस पर कोई और ऐसी कोई चीज़ लगानी है जिससे कि वो आपका जो पिक्चर है वो मज़ीद खूबसूरत लगे, या आपने उसमें कोई ज़बरदस्त वाइट कलर लगानी है, बैकग्राउंड चेंज करना है वगैरह वगैरह, कुछ कोई भी काम करना है पिक्चर में, तो स्वीट सेल्फ़ी के थ्रू आप सिर्फ सेल्फी पिक्चर नहीं निकाल सकते बल्कि उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं आज आपको प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ कि इसको प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड किया जाता है। प्ले स्टोर खोलने जाना है, प्ले स्टोर सर्च बार में, और वहाँ पर आपने लिख देना है कि स्वीट सेल्फ़ी। तो स्वीट सेल्फ़ी आप यहाँ से इसमें टाइप कर दें, और उसको टाइप करने के बाद आपने सर्च करना है, और सर्च करने के बाद सबसे पहले आपके पास जो सेल्फ़ी स्वीट सेल्फ़ी आएगा वही ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्वीट सेल्फ़ी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको दोबारा अपडेट कर सकता हूँ। तो चलो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दी कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, वेबमेट से भी कर सकते हो, इसके अलावा गूगल से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं और करेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है, तो इसके फंक्शन के बारे में, इसका फंक्शन ऐसा है, इतना ज़्यादा आसान है और मैंने इसको इंस्टॉल किया है, तो आपसे भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि आप भी इसको इंस्टॉल करके इससे फ़ायदा लें। तो उसके लिए यहाँ पर ही मौजूद है मेरे पास स्वीट सेल्फ़ी ओपन, और ओपन करने के बाद और इसका जो फंक्शन है उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद एक कैमरा है, इस कैमरे को ओपन करने के बाद इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्फ़ी भी ले सकते हैं और इसके अलावा उसको दें। तो फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़, और मैं बताता हूँ इसका फंक्शन क्या है, उसका एडिट के करना कैसे, और इसका जो सेल्फ़ी है वो कैसे आप इससे निकाल सकते हैं। तो इस कैमरे पर क्लिक करके आप इसका जो इससे जो सेल्फी का काम है वो यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा इसका जो एडिट प्रोसेस है वो इंतहाई ज़्यादा आसान है और ज़बरदस्त है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ से एक पिक्चर ले रहा हूँ, मैं सलमान खान की एक पिक्चर ले लेता हूँ, इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पिक्चर उठा ली वहाँ से अपनी गैलरी से, तो इसको मैं कर देता हूँ एडिट। एडिट कैसे करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, ऑटो ऑप्शन। ऑटो ऑप्शन का मतलब ये है कि आप पिक्चर में ब्राइटनेस लाना चाहते हैं, उसको लाइट करना चाहते हैं, उसमें रोशनी डालना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। भी आप कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्टिकर्स। तो स्टिकर्स आप इस पिक्चर पर स्टिकर भी लगा सकते हैं जिससे कि यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिकर्स हैं। आप कोई भी पिक्चर स्टिकर यहाँ से उठाकर उसको यहाँ से अप्लाई इस पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ़ एक ऑप्शन क्लिक किया और उसमें मुझे इतने सारे स्टिकर मिले, और मैं इस स्टिकर को वहाँ उस पिक्चर पर लगा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ से ये उठा लिया और मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड्स वो फेवर्स यहाँ पर ये लिखा है, तो मैं इसको कहीं पर भी रख सकता हूँ, उठाकर कहीं पर भी इसको मैं चिपका सकता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फंक्शन है वो भी आसान है, और इसको जो तो मज़ीद इसके जो ज़बरदस्त फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो इसका काम आप इससे कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो इसलिए यहाँ से थोड़ी बहुत मसाइल भी आ रहे हैं, तो मसाइल की बात पीछे नहीं भागने है, यहाँ से आपको काम कैसे करना है ये सिखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक और उठा लिया है, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ कि ये इसका जो मज़ीद मैं इस पर कोई भी चीज़ लगा सकता हूँ। बहुत सारे यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं,
अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल कोई वगैरह कोई दूसरी कंट्रीज सॉरी कोई दूसरे ग्रुप की पिक्चर वगैरह मैं यहाँ पर ला सकता हूँ, तो ये भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत आपको हमेशा कोई न्यूज़पेपर वगैरह में उसमें पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर बहुत मौजूद हैं, ये भी कर सकते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप ये कर सकते हैं। ये एक डॉगी है, आप अगर कोई पिक्चर पर डॉगी रखना चाहते हैं, अक्सर लोगों का शौक़ होता है ख़ास तौर पर मर्द लोगों का कि वो अपने पिक्चर पर डॉग का बहुत शौक़ रखते हैं, तो वो उसका पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ से आप कोई भी ऐप्स यहाँ से उठाकर अपने पिक्चर पर तो चलिए दोस्तों यहाँ से एक दूसरा पिक्चर ले लेते हैं, फिर उस पे जो एनिमेशन होते हैं जो इफेक्ट्स होते हैं वो डालकर आपको बताते हैं कि इस पे ये डालकर कैसे होता है। तो यहाँ से दोस्तों मैंने आपको जैसे कि बताया कि स्टिकर्स यहाँ पर आपने बखूबी आपने यहाँ पर देखे कि स्टिकर को हमने यहाँ पर इस पे कैसे लगाया। तो इफेक्ट्स के बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि इफेक्ट्स आप इस पर कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपके पास मौजूद है फ्रेम, फ्रेम में अगर आप पिक्चर को किसी फ्रेम में लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से इसमें फ्रेम लगा सकते हैं। और बैकग्राउंड बैकग्राउंड आप बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके अलावा एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट अगर आप पिक्चर को या थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उसको फैलाना चाहते हो तो उसको आप यहाँ से वो भी कर सकते हो, या इसके अलावा अगर उसका साइड चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। एक साइड पर आप अगर चाहना करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, अगर दूसरी साइड पर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अप एंड डाउन वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आप सबको ये इसके बारे में बताया कि ये कितना आसान है और इसका इस्तेमाल करके आप पिक्चर पर इफेक्ट्स भी कैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा फिल्टर है, फिल्टर भी ज़बरदस्त है, अगर आपके पिक्चर पर रोशनी मतलब वगैरह बस पिक्चर को खूबसूरत बनाना चाहते हो, उस पर रोशनी लाइट वगैरह तेज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिल्टर के बाद स्मूथ है, स्मूथ का मतलब वही बात है कि अगर आप किसी पिक्चर पर उसी खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं लाइट बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से वो कर सकते हैं। इसके बाद है स्किन टोन, स्किन टोन भी यही बात है कि वो उसमें मतलब पिक्चर में थोड़ी सी लाइटनेस पैदा करता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्लिम है, स्लिम का भी यही काम है। और इसके अलावा स्लिम के अलावा एनलार्ज है, और एनलार्ज मतलब आप एक पिक्चर को बड़ा वगैरह छोटा भी कर सकते हो यहाँ से। तो इसके लिए डार्क सर्कल वगैरह ब्राइटन वाइटनिंग पिक्चर को इंतहाई ज़्यादा अगर आप खूबसूरती जितने भी आप इसका काम करना चाहते हैं तो उसमें खूबसूरती बढ़ेगी। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप अपने व्यूअर पिक्चर को मज़ीद से मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास स्वीट सेल्फी जिसके बारे में मैं आपको बताया करता हूँ। आपको इसकी जो फीचर्स हैं इसकी जो खसूसियत हैं वो आपने जान लिए हैं और इसको हाँ। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो बराए करम इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। इसके साथ जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।